सबसे पहले आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, झगड़ा मत करो। बस मैं काली हो, पीली हो, नीली हो, कोई नहीं, फ्रेंड हो। सब लोग जो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग यहाँ प्यार से आए, और आप लोग क्योंकि यहाँ आए हो, मैं मेरा परिवार पूरी पार्टी आपके सामने आपके खिदमत में यहाँ खड़ी है, और मैं आप लोगों को आज के दिन ये विश्वास दिलाने के लिए आई हूँ कि ये हमारा परिवार है। इस परिवार को आप कुछ भी कर लो, हम अलग नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारे प्यार के साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको बांध के ही रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं। और मैं ये आपको कहने वाले आई हूँ कि ये तो मेरे परिवार से ज्यादा ही जुड़ा हुआ है मामला, इसलिए जो भी मुसीबतें हैं उनको ठीक करने का काम वैसे तो होता है सरकार का, परंतु मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर अपनी सरकार बनेगी और उस समय हम लोग बहुत सारे काम को फिर से ठीक कर सकेंगे। अभी मैं आपके यहाँ पता कर रही थी, बताओ भैया आपको पानी मिल रहा है? मेरे पास यह है कि दूषित पेयजल, दूषित पेयजल इसलिए सही तरीके से शहर के अंदर नहीं आता है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पेयजल की बहुत किल्लत है, और हैंडपंप तो बिल्कुल खराब पड़े हुए। तो गर्मी के अंदर आप लोगों ने क्या किया होगा वो मुझे समझ में नहीं आता। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाई। बिजली की तो अघोषित कटौती चलती है। आप महिलाओं को मैंने अलग से एक लाइन दी थी जिसको घरेलू लाइन के नाम से अब जाना जाता है। ये राजस्थान के इतिहास में पहली दफा हुआ, और मैंने सब लोगों को ये कह दिया था कि मेरे जाने से पहले 18 से 20 घंटे बिजली मैंने देने का काम कर दिया था, और अगर रुक जाती सरकार अपनी, और अब आएगी जब सरकार अपनी, तो 24 घंटे लाइन आपको घर घर के अंदर देने का काम करेगी। अब आपके सिकंदरा के अंदर सामुदायिक अस्पताल के अंदर बहुत अच्छा अस्पताल है, यहाँ आपके सुविधाओं की सब किस्म की कमी है। 8 डॉक्टर हैं, उनमें से 3 डॉक्टर के पद लंबित हैं, खाली चल रहे हैं, कई दिन से चल रहे हैं, और विशेषज्ञों का आभार है। और जो भी गंभीर हादसे हैं या प्रसव के पेचीदे मामले हैं उसको सबको जयपुर जाना पड़ता है। यहाँ से जयपुर जाओगे तभी होगा, यहाँ क्षेत्र के अंदर नहीं हो सकता। ट्रॉमा अस्पताल का काम कितने साल से चल रहा है, कब पूरा होगा वो किसी को नहीं मालूम, अपने धीमी गति से चलता ही जा रहा है। गिरिजगढ़ के सामुदायिक अस्पताल के अंदर जो 7 पद हैं उसके अंदर सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, और महिला चिकित्सक कहीं भी नहीं है। मैं देख रही हूँ पूरे राजस्थान के 6 संभाग में मैं आ रही हूँ, बस एक क्षेत्र के अंदर मुझे एक मिली थी, तो मैंने कहा था उनको, वाह आप तो बहुत ही आपको तो भगवान ने बहुत खुशी से अभी महिला डॉक्टर दी है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं साहब, ये हमारे गांव की रहने वाली है, गांव की रहने वाली है इसलिए वहां, और कोई माने कारण नहीं था। आपके यहाँ महिला डॉक्टर कहीं नहीं मिल रही, सड़कों की हालत तो ऐसी जर्जराई हुई है, गांव के अंदर चले जाओ तो सब गांव वाले मेरे को यही कहते हैं कि सड़क इनकी कुछ करिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये इसीलिए कह रही हूँ कि जो लोगों ने ठेका रखा है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि ये सब काम और मूलभूत सुविधाएं आपको लगा के दें, वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाइयों ऐसी सरकार को क्या कुर्सी पे बना के रखने की कोई जरूरत है? रखना है इसको, हमें तो तय कर लेना है, क्योंकि सरकार तो वो होती है जो सरकार जब आती है वायदा करती है उसको पूरा करती है। हम तो अपनी उपलब्धि को घोषणा, मैंने कहीं भी खड़े होकर आपको बता देगी मेरी उपलब्धि है। जैसे मैं मानती हूँ कि मेरी उपलब्धि है कि मैंने बिजली की दूसरी लाइन लाके हमारी महिलाओं को दी, 18 घंटे बिजली लाके दी मेरे जाने से पहले, और मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं आपको 24 घंटे बिजली दे दूंगी तो वो मेरी उपलब्धि है। मेरी घोषणा दूसरी है, मेरी घोषणा ये है कि मैं शेखावाटी के अंदर एक कॉलेज लगाना चाहती हूँ, सिकंदरा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज अपने को खोलना है, ये मेरी घोषणा है। पर जब तक ये जमीन पे आपको नहीं दिखेगी तब तक इसको मेरी उपलब्धि मैं नहीं कह सकती। यहाँ मैं देख रही हूँ कि सरकार रोज रोज पोस्टकार्ड निकाल रही है, आप लोग तो पढ़ रहे हो, रोज कहती है कि मेरी ये उपलब्धि है, मेरी ये उपलब्धि है, परंतु जाके देखो तो नहीं मिल रहा। दवाई मुफ्त, जांच मुफ्त है क्या, कहीं हो रहा है क्या, मिल रही है क्या दवाई, मिल रही क्या?
और अभी वो मिला उदयपुर पार्टी के अंदर इंजेक्शन मिला, उस इंजेक्शन के अंदर कांच था। अब किसी गरीब ने बेचारे ने वो इंजेक्शन लगा लिया होता तो सीधे ये स्थिति थी। अब वो कौन सी उपलब्धि है? इसी तरीके से उपलब्धि है कि झुंझुनू के अंदर हमने खेल की एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी। मैं देखने गई तो यहाँ तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये उपलब्धियां नहीं है। तो इसीलिए सरकार जब घोषणा करती है तो उसको उपलब्धि में जब तक नहीं ले आती है तब तक वो उसकी उपलब्धि नहीं है। और मैंने अभी अभी कहा, मैं जगह जगह पे देखते चली आ रही हूं, मैंने इनकी उपलब्धि के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी। बड़ी क्या, इतने बार बड़ी, 7 बार बढ़ गई है, 53% बढ़ गई है पूरे राजस्थान के अंदर, ये उपलब्धि नहीं हुई। 24 घंटे घरेलू बिजली देने की घोषणा नहीं मिली तो ये उपलब्धि नहीं हुई, सिर्फ घोषणा ही घोषणा रही। किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली देने की घोषणा मिल गई किसान भाइयों, मिल गई क्या? अरे कहीं 2 घंटे कहीं 3 घंटे, वो भी इतने सारी ट्रिपिंग के साथ, ये उपलब्धि नहीं है, घोषणा है। तो घोषणा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक स्थिति पर क्या लोग इतने झूठ बोल देते हैं। हमने तो सबको कह दिया था मेरे राज के अंदर कि किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो उसकी घोषणा हमें नहीं करनी है, उतनी ही घोषणा करना जितनी घोषणा पे हम लोग अमल कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा जहां जहां मैंने घोषणा की वहां मैंने पैसे भी दिए। जैसे मैंने नागौर की घोषणा की कि नागौर को मीठा पानी मैं ला के पिलाऊंगी, तो नागौर के लिए 2000 करोड़ में से 700-800 करोड़ रुपए मैंने तैयार करके छोड़े। नागौर की स्कीम पूरी करके मैं गई, 500 गांव और करने थे, तो ये सरकार आज दिन तक नहीं कर पाई। इसी तरीके से मैंने जहां जहां हो घोषणा की उसके साथ मैंने पैसे छोड़े। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि मन जब है तब उसके साथ उसका इंतजाम भी करने का हम लोगों करके जाना चाहिए। यहां तो मैं देखती हूं कि परिवार का पालन तो हो रहा है पर समाज का पालन नहीं हो रहा है। समाज के बारे में हम बात करते हैं परंतु समाज के लिए इतना नहीं कर सकते, या समाज के बीच जितने झगड़े हम कर सकते हैं उसी के ऊपर राजनीतिक आदमी जिंदा है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने लड़ा लड़ा के फायदा किया और आप देख लीजिए कि विकास क्या हुआ। ये पूरा इलाका देख लीजिए, मैं घूम के आई हूं पूरा, ये इलाका आगे बढ़ा ही नहीं है। और इसीलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि हम लोगों ने आपके बीच में झगड़े करा के रख दिए। मैं बार बार कहती हूं कि जिस दिन राजस्थान के लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि अगर पानी आपको चाहिए तो दूसरे को भी पानी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ही आपको पानी मिलेगा, सबको पानी मिले, सबको बिजली मिले, डॉक्टर मिले, टीचर मिले, रोजगार मिले, तब तो काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो इसी तरीके से गड्ढे में पड़े रहेंगे और 53 साल से गड्ढे में पड़े रहे भाइयों। 65 साल हो गए इस सरकार के, 65 साल में इसलिए कह रही हूं कि 65 साल हो गए लोकतंत्र के, उसमें से 5 मेरे निकाल दिए, 7 भैरव सिंह जी के निकाल दीजिए, 53 साल आपने इनको दिए। अगर ये सरकार का हमें दिया जाता होता तो चमन हो जाता राजस्थान, जैसे नरेंद्र मोदी ने 15 साल में चमन कर दिया है गुजरात के अंदर, जैसे शिवराज जी ने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश में चमन कर दिया है, 5 साल के अंदर भाइयों वो खाली खजाना भर के छोड़ गई थी। मैं आपको सबको याद, आपको याद है कि हमारा मुखिया चिल्ला चिल्ला के रोता था कि हम तो भिखारी है, हम तो कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारा खजाना खाली है, याद है वो? याद है। अब वो कंगाली पे हमको राजस्थान मिला, बीमारू प्रदेश हमको मिला, उस बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़ा करने का काम भी किया और उसके खजाने में 7000 करोड़ छोड़ के चली गई थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज उसकी स्थिति क्या करके रखती है वो सबको दिखाई दे रही। अरे चुनाव आ रहे हैं, उसके पहले 4.5 साल तो कोई काम नहीं किए, अब आप लोगों के सामने आके कह रहे हैं, कह रहे चिंता मत करो आपको जो चाहिए हम करने को तैयार है, बस हमें वोट दे दो। अरे आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन ले लो। मैं ये पूछ रही हूँ कि 4.5 साल पेंशन क्यों नहीं दिए, मुझे ये बताओ कि आपने हमको लुगड़ी क्यों नहीं दी? आज लुगड़ी की जगह में आप 100 रुपए हमको पैसे दे रहे हो, आज साइकिल की एवज में आप हमको पैसे दे रहे हो, आज चावल की एवज में पैसे दे रहे हो, लैपटॉप की एवज में पैसे दे रहे हो, हमको लुभाने के लिए हमारे बच्चों के लिए कुर्ता पजामा दे रहे हो, रोज रोज कोई नई स्कीम सोच लेते हो कि बीकानेर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो जाएगी,
कहीं को बाड़मेर के अंदर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो जाएगी। अरे कहाँ हो जाएगी, आपने अभी अनाउंसमेंट किया सरकार तो तुम्हारी वापस आने वाली नहीं है, तो कहाँ से होने वाली है, सबको लुभाने के लिए मतलब क्या है आपके लिए? तो अभी आप कुछ भी मांग लो वो सब देने को तैयार है। मैं तो कहा ना कि सोने का महल, अरे सोने का महल भी मिल जाएगा, दूध की नदी वो भी मिल जाएगी, आप तो बताओ क्या चाहिए। बस वोट के लिए आप कुछ भी करने को हम तैयार हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल काम नहीं करोगे और लास्ट में ये सब कर दोगे, तो आगे चल के अगर हर सरकार का काम यही होगा कि 4 साल तो पैसा इकट्ठा करो और 5वें साल में वोट खरीदने के लिए उसको फेंको, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होने वाला है ये बताओ मेरे। हमारे अफसरों ने ये कह दिया है कि कहीं ऐसा ना हो, गनीमत ऐसा ना हो कि हम लोगों को जिस तरीके से ये चल रहे हैं कि 2 महीने के बाद हमको हमारी तनख्वाह ना मिले, ऐसी स्थिति कर दोगे तो राजस्थान का क्या होगा। आज गुजरात कहां से कहां पहुंच गया है, राजस्थान कहां से कहां पहुंचा हुआ था, उस राजस्थान को गर्त में मिलाने का काम इस सरकार ने किया है। और आने वाले टाइम के अंदर भी जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मैं नहीं इससे देख सकती कि हमारी जनता को आगे ले जाएंगे। अरे हमारे बच्चों की हालत ही देख लो, आपने तस्वीर देखी होगी, वो ट्रेन के ऊपर 7 लाख लोग गए हैं, बसों के ऊपर भर भर के गए हैं, उन्होंने फॉर्म जो भरे 12 लाख और उसके बाद जाके परीक्षा की 7.5 लाख। अगर हर साल हम नौकरी लोगों को दे रहे होते तो ये स्थिति नहीं होती। और मैं ये कह सकती हूँ आपको कि हमारे समय के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी, तो जब हम दे सकते थे तो इन्होंने क्यों नहीं दी। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि टैक्स से आप लोग सबको परेशान करके रखा है, उसमें से हम रास्ता निकाल के मैंने सबको कह दिया कि जिस तरीके से हमने व्यवस्था बनाई थी आरपीएससी की व्यवस्था बनेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा, आगे वो चल सकेंगे, उनको किसी भी हालत में मुसीबत ना हो। हम चाहते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो जाए, पलायन नहीं करे, राजस्थान में उनको नौकरी मिले। ये सब चीजों के लिए अपने को समय चाहिए और साथ चाहिए। ये जादू किसी मेरे हाथ में नहीं है, ये जादू आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग झगड़ा नहीं करोगे, अगर आप लोग प्यार से एक दूसरे के साथ जुड़ जाओगे और आप लोग ये तय करोगे कि राजस्थान का विकास होना है, तो मैं कह रही हूँ भाई और बहनों, आपके विकास को रोकने वाला भी पैदा नहीं हुआ है। अब आ जाओ आरक्षण के मामले में, जब आरक्षण का मामला हुआ तो आप सुन लो, क्योंकि मैं अभी आप लोग कहने वाली हूँ, आरक्षण का मामला हुआ, हाँ हो हल्ला सब दूर हुआ। आरक्षण के मामले के अंदर कांग्रेस तो जी ही नहीं सकती है जब तक हमारे बीच में झगड़ा ना हो। झगड़ा होगा, जिता दिया ना, आ गए ना, 4.5 साल में देख लिया ना क्या मिला हम लोगों को। इन्होंने करा एक करते हैं और फिर करेंगे, और लगातार इनकी आदत है, इससे वो दूर नहीं हो सकते। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब ये मामला चालू हुआ आप लोगों ने मेरे से कहा, सबसे पहले चोपड़ा कमेटी को बिठाया, चोपड़ा कमेटी के साथ हम लोगों ने दूसरी कमेटी भी बिठाई कि जिन जिन लोगों के साथ अगर कोई भी किसी का अन्याय हो रहा है तो अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरी रिपोर्ट बनवाने के बाद हम विधानसभा के अंदर गए, विधानसभा के अंदर संकल्प पारित हुआ। संकल्प खाली मेरा पारित नहीं था, मेरी पार्टी का पारित नहीं था, पूरे हाउस का पारित था, जिसमें सबके सब पार्टियां शामिल थी। और उसके बाद तब तय हुआ कि गवर्नर साहब के पास जाएगा, एक गवर्नर साहब के पास गया, अगर उसमें कोई गलती होती, जैसे अभी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जोड़ दिया उसको निकाल दिया, ये सब बता रहे हैं आप लोगों को, अगर कोई गलती होती तो गवर्नर साहब उसको ऊपर नहीं भेजते, परंतु गवर्नर साहब ने चढ़ा कि उसको 1 साल बाद सही, आखिर में जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने ऊपर भेजा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस समय गलती थी तो जब संकल्प पारित हो रहा था तो उस समय कांग्रेस वालों को खड़े होकर कहना चाहिए था कि ये संकल्प में ये गलती, इसको ठीक करिए। पूरे हाउस ने संकल्प पास किया, ऊपर गया दिल्ली में, अब खाली कड़ी से कड़ी जोड़नी थी ना भाइयों, तभी तो कहा था कि हमें वोट दे दो तो हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। कड़ी से कड़ी जोड़ने का मामला क्या है, मतलब क्या है, आपके ऊपर की सरकार और नीचे की सरकार एक ही थी, या आपके मंत्री सचिन पायलट, उधर आपके मंत्री नमो नारायण जी मीना, दोनों ऊपर वहां बैठे हुए कैबिनेट के अंदर, क्या यहाँ का संकल्प वहां ले जा नहीं सकते थे, क्या वो वहां की कार्य सूची में उसको डलवा नहीं सकते थे, क्या उसमें भाषण नहीं करवा सकते थे। अरे जब आपको यहाँ वो क्या विधान परिषद, अब राजनेता है ना तो राजनेता तो अपनी बातें करते हैं, विधान परिषद राजनेताओं की बात है, इसमें राजनीति होती है, तो विधान परिषद को तो आप ऊपर ले जा सके, विधान परिषद आपने कार्य सूची में डलवा दिया, विधान सूची के ऊपर तो सब बात चल गई, परंतु इस बात के ऊपर आप लोग नहीं कर पाए, और फिर मुंह भी दिखा रहे हो सबके सामने,
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना आसान काम था, ये 9वीं सूची में चला जाता तो कितने सारे लोगों को आराम मिल जाता। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने क्यों नहीं किया और क्यों गुमराह कर रही है कि इसको लगा दिया और उसको लगा दिया। कुछ नहीं है भाइयों, ये तो कांग्रेसी पुरानी आदत है, इनसे पूछा जाना चाहिए। इसके ऊपर वो सरकार लेके आए हैं और इसके ऊपर उन्होंने पूरे राजस्थान को खत्म करके रख दिया है, खोखला करके रख दिया है। और मैं आप लोग सबको भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो मैंने पहले कहा था उतना जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी तो आदत ही नहीं झूठ बोलने की, मेरी सरकार भी नहीं है दिल्ली के अंदर कि मैं उसके बारे में बात करूं। परंतु न्याय क्यों नहीं दिया है इस सरकार ने हमारे लोगों को? इस सरकार ने राजस्थान के लोगों को न्याय नहीं दिया है। आज हम सबको उस न्याय की लड़ाई लड़नी है। बताओ तैयार हो गया? तैयार हो गया? अरे मेरे सामने तो बड़े तैयार हो गए, मेरे सामने तो बड़े तैयार हो गए, बड़े बैनर लेके खड़े हो गए, अरे वो क्या कहते हैं पोस्टर लेके खड़े हो गए, बड़ा हल्ला गुल्ला सब कर लिया। कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात थी, एक मिनट के अंदर वो काम हो सकता था। अगर विधान परिषद का नाम ऊपर जा सकता है तो हमारे ये काम क्यों नहीं हो सकता था? तमिलनाडु के अंदर हो गया, दूसरे स्टेट में हो गया, राजस्थान ने क्यों नहीं किया? ये पूछने की जरूरत है। और वो लोग आते हैं ना तो आप सबकी बहुत अच्छे करते हो, पूछो तो सही। यही तो मंत्री लोग हैं, जिन मंत्री लोगों से आपको पूछना चाहिए कि इनने कड़ी क्यों नहीं जोड़ी। तो मैं इसलिए आप लोगों को आज आगाह कर रही हूं, मैं सबको कह रही हूं कि जितना अपने हाथ में है उतने तो अपन करेंगे ही करेंगे। मैंने सबको कह दिया है कि ये समाज को पूरी तरह से न्याय देने का काम, सब समाजों को न्याय देने का काम ये हम किसी की भी जिसकी सरकार है उसके हाथ में है। और मैं सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक नया राजस्थान बनाना है, जिस नए राजस्थान के अंदर हम सब समाजों को सब मजहबों को साथ लेके चलेंगे। एक ऐसा सुंदर राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, मजबूत राजस्थान, जिसके अंदर उनके युवा खड़े हो सकते हैं, जिनकी वहां माताएं बहनें सुरक्षित चल सकती हैं, जिनके किसान मजबूती के साथ अपना काम कर सकते हैं और जिनके व्यवसाय आगे वहां फैक्ट्री लगा सकते हैं बिना डर के। ऐसी स्थिति और ऐसा राजस्थान क्या आप लोग नहीं चाहते कि बने? क्या आपको चाहिए कि ये जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है, पानी नहीं, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति और रहे? चाहते हो क्या? नहीं चाहते तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ एक जोरदार नारा दे दो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और एक जोरदार नारा मेरे साथ और राजस्थान के लिए, जिस राजस्थान के साथ हम सबको जुड़ना है, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।